भी ये प्रयोग करना है कि बढ़ने के साथ इसी को सीधा यहाँ, ये मारने के साथ ये अभी बढ़ते ही है, ये मारा इस हाथ को सीधा यहाँ पीछे ले गए, यहाँ से कर रहा हो या आगे बढ़ के ये एल्बो से मारना हो या आगे बढ़ के एल्बो से टो, ये जॉइंट, इस जॉइंट को किस तरीके से आपको करना है, इस जॉइंट को किस तरीके से मोड़ना है या इस जॉइंट को आपने आगे मुड़, 80 किलो का लड़का भी है उठ के इसे आपको फेंकना आ रहा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको बताया था कि किस तरीके से गजवडिव को करना है, आज इस क्लास में आपको बताएंगे कि गजवडिव का प्रयोग क्या है, किस किस तरीके से आप गजवडिव में सामने से एक ओपोनेंट आ रहा है अगर मार रहे हैं तो उसको किस तरीके से आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। अमरछा, एडद केरी, वदद केरी, ये जो मूवमेंट है इस यही मूवमेंट में, इसी मूवमेंट को हम प्रयोग के साथ इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इस पर ध्यान रखना है जब ये मूवमेंट आगे बढ़ता है तो ये तो लेफ्ट वाला पैर आगे, अगर मैं सपोज ऐसे खड़ा हूँ दोबारा मारो यहाँ पे खड़ा है, अगर ये मार रहे हैं सामने से तो ये लेफ्ट को आगे बढ़ा के हमेशा ब्लॉक होता है और ये राइट पैर के आगे बढ़ाने के साथ साथ प्रयोग करते रहे, यानी कि ये राइट के रखने के साथ, ये राइट वाला पैर यहाँ पे आपने ये रखा है इसके साथ ही ये प्रयोग करना है, ये बढ़ने के साथ इसी को सीधा यहाँ, ये मारने के साथ ये आगे बढ़ते ही है सीधा, बिल्कुल नहीं सोचना, लेकिन ये ध्यान रखना कि आप ये प्रयोग तरीके से या ताकत लगा के तभी आप कर सकते हैं जब आपने ये गजबड़ी प्रैक्टिस किया होगा अच्छी तरीके से, अगर आपने ये सिस्टमेटिकली प्रैक्टिस किया होगा, अगर आपके पैर में ताकत है, हाथों में ताकत है, तभी ये प्रयोग को ढंग से आप कर सकते हैं। ये मारा, इस हाथ को सीधा यहाँ पीछे ले गए यहाँ से, तो ये मारा, तो ये लेफ्ट और राइट, जब सामने से कोई भी बंदा मारता है, मारो अगर ये ऊपर मारता है या पंच करता है जो भी मूवमेंट सामने वाला बंदा मारता है, राइट पे भी आता है तो सीधा ये एकदम से सामने वाले का पंच आ, ये जो बढ़ना है ये ध्यान रख रहा है कि ये चीज आ रहा है, ये अगर आपके हाथ पे आ गया, ये पैर अगर आपके हाथ पे आ गया तो ये ईजी हो जाता है। तो हाथी के प्रयोग का सबसे पहला यही है कि एड गेरी वलद गेरी, ये तो यानी कि लेफ्ट आगे बढ़ने के बाद राइट पैर के आगे बढ़ने के साथ साथ जो भी प्रयोग है आपके, जो भी प्रयोग आपको करना है यहाँ से, चाहे ये मारो ये चाहे ये आगे बढ़ के ये पंच कर मार रहा हो, ये सारे जो प्रयोग है, ये सारे ही प्रयोग आपके गजवडिव के प्रयोग में आप इसको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो सामने वाले ने मारा है, ये ऑब्जेक्ट जो सामने आया है, ये जो हाथ है, ये जो सामने पड़ रहा है या पंच जो पड़ रहा है, इसको आप किस तरीके से मोड़ना है, या ये हमेशा ध्यान रखना, मारो ये हमेशा ध्यान रखना कि ये जॉइंट, इस जॉइंट को किस तरीके से आपको करना है, इस जॉइंट को किस तरीके से मोड़ना है या इस जॉइंट को आपने आगे मोड़ना है। जितने भी लॉक्स और जो टेक्निक्स है, चाहे वो किसी भी मार्शल आर्ट का हो, वो तभी आपके काम में आएगा जब आप उसको तरीके से फास्ट करते हो। यहाँ से मारा आपने, ये मारते ही ये चीज जो आप ये करते हो, ये इतना स्पीड में ये प्रयोग होगा तभी ये फायदा होगा आपका। अपन सपोज समझो कि अगर आपने सोचने में टाइम लगा दिया, सामने वाले ने मारा, ये यहाँ पे आया या आपने सोचा, तो ये सामने से इसका ये अटैक पड़ सकता है, ये चीज आ सकता है, तो ये जो सामने जो बंदा है ये भी आराम से खड़ा हुआ नहीं है। कभी भी आपको कोई, जिस तरीके से हम लोग मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं, तो सामने जो व्यक्ति है वो खड़ा रहता है क्योंकि ये एक मॉक ड्रिल है, लेकिन रियल फाइट में क्या होता है कि रियल फाइट में ये आगे बढ़ते इसका आ जाएगा, इसका भी ये प्रयोग आएगा ही आएगा। तो ये साधारण व्यक्ति का हिट आने से पहले ही जो है ये आधा रची आपका, इतना ही पावरफुल है आपका हिट। सेकंड मूव पे गजा, ये अब इसमें ये वडिव को प्रैक्टिस करके ताकत क्यों ला रहा है, इसलिए ला रहा है क्योंकि अगर आप सपोज समझो कि ये लेफ्ट करके राइट पर, ये 80 किलो का लड़का भी है, उठ के इसे आपको फेंकना आना पड़ेगा, पीछे को फेंक सकते हो आप इसको, आगे भी फेंक सकते हो, कहीं फेंक तभी कर सकते हैं जब आप जो है ये थोरोली वडिव को प्रैक्टिस करेंगे। वडिव को प्रैक्टिस किए बिना ये सिस्टमेटिकली ये चीज आप प्रैक्टिकली ये चीज हो रही, ये जो थ्रोज होते हैं, ये जो उठाते हैं इस थ्रोज को ऊपर लेके
जमीन में पटक के मारते हैं, तो ये अगर हम सिस्टमेटिकली यहाँ पे करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, तो ये काफी ज्यादा चोट पहुंचने की चांस।